यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम चैप्टर 6 रीड कर रहे थे पॉलिटिकल्स का, जिसमें हमने पेज नंबर 260 के जो राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट है वहाँ तक हमने पढ़ लिया था, और हमें पढ़ना है व्हाट इज़ एडवर्टाइजमेंट। तो हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं एडवर्टाइजिंग क्या है। अब एडवर्टाइज क्या है, एक बिजनेस कह सकते हैं हम, जिसमें किसी भी गुड सर्विस के लिए मीडिया जो है उन सिटीजन्स का अटेंशन के लिए, ऑडियंस या कस्टमर के अटेंशन के लिए वो बिजनेस करती है कि उनकी इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचाने का कार्य उनके द्वारा किया जाता है। तो उसके लिए मीडिया, न्यूज़पेपर, उनके द्वारा क्या किया जाता है, जर्नलिस्ट के द्वारा उनका एडवर्टाइजिंग जो है उनके किया जाता है, ताकि कंज्यूमर जो हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, उनकी जो कमोडिटीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, सेल हो। उसके लिए कंपनी जो है उनका नाम रखती है, अलग अलग प्रोडक्ट्स की कंपनी के प्रिंट्स होते हैं, मार्क्स होते हैं, है ना, और वो सारा प्रॉफिट कमाने के लिए उनका किया जाता है, जिससे कि उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इंक्रीज़ हो और कस्टमर जो हो उनके लिए उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, उनकी क्वालिटी प्राइस के बारे में कस्टमर जाने, ये एडवर्टाइजिंग का सबसे बड़ा एम होता है। फिर आता है इसकी इंपॉर्टेंस। अब ये आज के कॉम्पिटिशन में सबसे ज़्यादा एम रखती है, क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में कस्टमर्स को पता होता है, तो कस्टमर वो चीज़ें खरीदना ज़्यादा पसंद करता है। जब भी उन्होंने कोई चीज़ देखी नहीं हो, सुनी नहीं हो, तो वो खरीदना भी पसंद नहीं करते, हमने तो इसको कभी बारे में सुना ही नहीं है, तो हम इसको क्यों खरीदे करके। अब इसके बारे में हम सेलर के एडवर्टाइजिंग के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोडक्शंस के सेलर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो कोई भी कंपनी होती है, न्यू प्रोडक्ट बनाती है, तो मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसका एडवर्टाइजमेंट उसके द्वारा दिया जाता है, ताकि कंज्यूमर जो हो उन न्यू प्रोडक्ट को देखें और उसको अच्छे से जानें। फिर एडवर्टाइजमेंट जो है वो सेलर्स के कॉम्पिटिशन्स को हमें आगे बढ़ने के लिए उनकी हेल्प करती है, उसके फीडबैक के लिए, इसके साथ साथ ही कॉम्पिटिशन्स लेवल में आगे बढ़ने के लिए प्राइस और इक्वालिटीज़ के लिए, है ना, क्वालिटीज़ बढ़ाने के लिए। उसके साथ साथ एडवर्टाइजमेंट जो है वो किसी भी प्रोडक्ट हुआ उसकी गुडविल को बढ़ाता है, और उसके साथ साथ ही वो प्रोडक्ट्स की डिमांड में भी इंक्रीजिंग लाता है, ठीक है। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के लिए क्या एडवर्टाइजमेंट का रोल रहता है। तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो कंज्यूमर को उसको चीज़ के बारे में अवेयर करता है, उन वस्तुओं के बारे में, उसके साथ साथ ही ये लोगों में उस बेस्ट प्रोडक्ट को ढूंढने में मदद करता है, जो कि बच्चों के लिए भी होते हैं, उनकी फैमिली के लिए भी होते हैं। उसके साथ साथ ही वो प्राइस को कंपेयर करने में, उसके फीचर को कंपेयर करने में हेल्प करता है, कि जैसे कि कोई भी पाउडर हुआ, दो तरह का है, दो कंपनी के कौन सा बेटर है, कौन सा लो प्राइस का है, कौन सी अच्छी क्वालिटी का है। उसके साथ साथ एडवर्टाइजमेंट जो है वो अवेलेबिलिटीज़ में हमारी मदद करता है, कि हम किस चीज़ को किस तरीके से ख़रीद सकते हैं, है ना। तो कंज्यूमर जो होते हैं भी कॉन्फिडेंसली उस चीज़ को वो बाय करना चाहते हैं। उसके साथ साथ एडवर्टाइजमेंट जो है वो कंज्यूमर का माइंड सेट रखता है, कि वो कोई नई चीज़ देखता तो वो ऐसा डिज़ायर करता है कि हाँ मैं भी ये चीज़ें क्या करूँ, खरीदूँ। तो जैसे कि है ना, नए नए प्रोडक्ट हुए हैं तो वो उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, नए कलर्स वगैरह आए, नया कुछ भी डिज़ाइनिंग आए, है ना, तो उस चीज़ों में मदद करता है। फिर आता है हमारा एडवर्टाइजिंग इन सोसाइटी। अब एडवर्टाइजमेंट जो है वो एजुकेशन में सबसे ज़्यादा रोल निभाता है, उसके साथ सोशल इश्यूज हुए, चाइल्ड लेबर हुए, इस तरीके से अफेक्ट करता है। उसके साथ जैसे कि स्मोकिंग और लिक्वर कॉम्पिनेशंस हुआ, फीमेल इन्फेनिटिसाइड्स हुए, पोल्यूशंस हो रहा है, एंटी मलेरिया कंपेरिजन्स हो रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में सोसाइटी को बताता है। फिर एडवर्टाइजमेंट से हमें सोशल इम्पोर्टेंस का मैसेज मिलता है, हमें हम उसके लिए अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं, और उसके साथ साथ ही हमें जो सर्विसिंग सेवा वगैरह दी जा रही है उन सभी के बारे में भी हमें पता चलता है। फिर आता है आपका एडवर्टाइजिंग मोड्स, कि उसके क्या क्या मोड्स हैं जिससे कि हमें एड वगैरह मिलते हैं। तो फर्स्ट आता है डोर टू डोर एडवर्टाइजमेंट, जिसमें सैंपल्स वगैरह होते हैं जो कि लोगों के घर तक पहुंचाए जाते हैं। फिर आते हैं पोस्टर लीफलेट्स, जिसके अंदर पोस्टर वगैरह दीवारों पर या रोड्स के साइड में, क्रॉसिंग में, वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के रूप में इस तरीके से चिपकाए जाते हैं, ये हम देखा ही होगा आपने इस तरीके से। फिर आता है बिलबोर्ड्स। अब बिलबोर्ड जो होते हैं एडवर्टाइजमेंट्स का, वो अलग अलग साइज़ के और अलग अलग शेप्स के होते हैं, मार्केट एरिया के अकॉर्डिंग, बस स्टेशंस के अकॉर्डिंग, क्रॉसिंग सिटीज़ के अकॉर्डिंग, है ना, रोड्स के अकॉर्डिंग, फिर बसेस टैक्सी के ट्रेन पर के पीछे होते हैं। इसके छोटे छोटे टाउन्स में वॉल दीवारों पर भी, घरों के दीवारों पर भी लगाए जाते हैं। फिर साथ में होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से एडवर्टाइजमेंट उसका मिलता है, जिसको हम विजुअली देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, है ना, जैसे टीवी वगैरह हुए हैं। फिर आता है डिस्प्ले, कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो कि हमें डिस्प्ले के रूप
रूप में, जैसे फेयर्स मेला वगैरह होते हैं, मॉल्स वगैरह होते हैं, शॉपिंग एरियाज होते हैं वहाँ पर, पार्क्स वगैरह के वहाँ पर लगाए जाते हैं। फिर अलग अलग, अब यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट बता रखे हैं कि एडवर्टाइजमेंट कितने तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट, जिसके अंदर जो इलेक्शंस वगैरह हुआ, पॉलिटिशियंस हुए, पार्टीज़ वगैरह होती है, उन सभी का एडवर्टाइजमेंट हमें दिया जाता है, जो कि वोट वगैरह हो रहे हैं ना, तो उन सब बारे में, जैसे जो कि लीफलेट, हैंडआउट्स, पोस्टर्स और अदर तरीके भी होते हैं, और जिनमें उनके सिंबल्स हुए, स्लोगन्स हुए, किसी प्रोमिनेंट लीडर, कोई लीडर हुआ, उसके बारे में बताया जाता है। फिर आता है आपका इन्फॉर्मेशन एक एडवर्टाइजमेंट, जिसके अंदर किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमें दी जाती है, जैसे ट्रैफिक डाइवर्जेंस हुआ, टैक्स अथॉरिटीज़ हुई, टैक्सेस हुए, है ना, पब्लिक वर्क हुए, फिर अलग अलग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारे हमें दी जाती है। फिर सोशल एडवर्टाइजमेंट, जिसमें हमें सामाजिक रूप से जो भी सूचना होती है, इन्फॉर्मेशन, वो हमें दी जाती है, जैसे कि हमें सेव द एनवायरनमेंट, सेव द टाइगर, सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इस तरीके से। एंटी स्मोकिंग एडवर्टाइजमेंट भी इसके एग्जांपल है। फिर आता है कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, जो कि किसी भी वस्तु का सेलिंग बढ़ाने में या कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए करवाए जाते हैं, है ना, जैसे कि कोई चॉकलेट के लिए हुआ, कोई हाउस होल्ड गुड्स हुए, क्लॉथ्स हुए, ड्रेस मटेरियल्स हुए, एक्सेट्रा, ठीक है। अब द मेकिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे हम। अब देखो, एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए जो कंपनीज वगैरह होती है उनको बहुत सारे से मैन्युफैक्चरिंग करना होता है, सारे प्रोडक्शंस के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है, एजेस के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है, कंज्यूमर्स को अटेंशन होना करना होता है। तो फर्स्ट है तो वो किसी भी मार्केट सर्वे कहते हैं कि लोग क्या क्या डिसाइड करना चाहते हैं, किस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो जो भी कंपनीज वगैरह होती है वो कि उनको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, किन चीज़ों डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट होगी, किस मोड से वो करेंगे, कि वो पोस्टर लगाएंगे, क्लिप्स लगाएंगे, डोर टू डोर एडवर्टाइजमेंट करेंगे, है ना, इस तरीके से सारा उनका रहता है। फिर साथ साथ ही मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो होती है वो अपनी कुछ सर्विस भी है उनके द्वारा प्रदान की जाती है, जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह हुए, सिनेमाज वगैरह हुए वहाँ पर, उसके साथ साथ प्लेटफॉर्म पर भी। फिर कुछ स्लोगन्स होते हैं उनके द्वारा लिखे जाते हैं, जाके प्रोडक्शन जो किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन उसमें इंक्रीजिंग हो सके। इसके साथ साथ बहुत सारे डिसीजन जो हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं ना, ब्रांड्स वगैरह के बारे में, वो सारी चीज़ें उनके द्वारा की जाती है। फिर आता है ब्रांडिंग, तो किसी भी वस्तु का, किसी भी प्रोडक्ट का नेम और फेम देना ज़रूरी होता है। अगर जैसे कि हम ह्यूमन है, ह्यूमन को भी नाम देना क्यों जरूर होता है, अगर नाम नहीं देंगे तो हम किस तरीके से एक दूसरे को पुकारेंगे, तो वैसे ही कुछ चीज़ों का भी नाम देना क्या होता है, ज़रूरी होता है, ताकि उनके ब्रांड, उन प्रोडक्ट के बारे में हम कंपेयर कर सकें और हम उसके बारे में पता चल सके और उनको पहचान सके, पहचान सके। उसके साथ साथ ही हम उसके नाम से उसकी स्टाइल के बारे में, उसके स्टेटमेंट के बारे में, चीज़ सस्ती है या महंगी है, उसकी क्वालिटी के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही ब्रांड जो है एक क्वालिटी कंट्रोल में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ओके, फिर आता है आपका कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, और कभी कभी कुछ आइडियाज़ होते हैं वो भी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, कुछ नई नई डिज़ाइन होती है वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, किसी की कॉस्ट लेख होती है तो किसी की करोड़ों में भी होती है। मीडिया हाउस होते हैं तो उनका एडवर्टाइजमेंट वो उनके अकॉर्डिंग करते हैं, कि जिन वस्तुओं का एडवर्टाइजमेंट वो कर रहे हैं तो वो उनका 10% मार्केट प्राइस जो है वो उसके अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है ना। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशंस, कि एडवर्टाइजमेंट के लिए भी कौन कौन से रूल्स है जो कि बनाए जाते हैं। तो बहुत गवर्नमेंट जो है वो ऐसे रेगुलेशंस निकालती है ताकि कंज्यूमर भी एडवर्टाइजमेंट से प्रोटेक्शन उनको रह सके, उनको कोई गलत चीज़ नहीं बताई जा सके, या फिर उनके साथ किसी प्रकार कोई गलत एडवर्टाइजमेंट उनको नहीं दिया जा सके, है ना। जब हम जैसे कि मूवी देखते हैं तो हम देखते हैं कि बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, वो सारे सेंसर सर्टिफिकेट्स जो होते हैं, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट जो हैं वो ऐसे बहुत सारे वार्निंग्स वगैरह हमें देते हैं, उसके साथ साथ ही डेंजरस स्टंट्स वगैरह बताते हैं कि इस तरीके से हमें घर पे नहीं करना चाहिए। फिर बहुत सारे मेडिसिन के बारे में बताते हैं कि जो कॉमन होती है उसको हेडेक के लिए, है ना। उसके साथ साथ ही ये हमें कंज्यूमर का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ाते हैं, कि किस तरीके से कंज्यूमर जो है उसके ओर अट्रैक्ट करते, तो एक गुड सेंस के रूप में ये कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं। फिर आता है आपका राइट टू कंज्यूमर अगेंस्ट इनकरेक्ट एडवर्टाइजमेंट, कि अगर कोई गलत एडवर्टाइजमेंट जो है आपको दिया जा रहा है तो उसके अगेंस्ट आपका कौन सा राइट है, क्या राइट है, वो बताया जा रहा है। अगर हम
कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जो कि गलत हो, और या तो हम उसको स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया में उसको बता सकते हैं और उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। जनरल पब्लिक जो होती है वो उसका कंप्लेन कर सकती है कि उसकी कॉपी प्रिंट निकाल कर और फिर उस मटेरियल्स का टाइमिंग डेट वगैरह करके और उसको टीवी पे ब्रॉडकास्ट भी किया जा सकता है। और कौन सी कंप्लेन हुई जो कि गलत है तो हम उसको एडवर्टाइजमेंट जो है उसके अगेंस्ट हम जा सकते हैं और उसकी कंप्लेन जो है हमें कंज्यूमर कंप्लेन काउंसिल के अकॉर्डिंग हम उसमें फिर उसका उसके लिए डिसीजन लिया जाता है। इम्प्लेन एंड नेम प्रिवेंशंस ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1950 का अगर इम्प्रॉपर यूज़ किया जा रहा है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब जो एक्ट है 1950 उसके अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति हुआ तो वो कोई भी अपना स्टेट एम्बलम्स है, नेशनल फ्लैग है, गवर्नमेंट का कोई भी इंडिया सील है उसका यूज़ नहीं कर सकता है ना, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो कॉमेडिकल हो। उसके परमिशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर अथॉरिटीज उनको लेनी होती है, जैसे कि इंडिया का मैप हुआ है ना तो उसका यूज़ लें, फिर जितने भी अलग अलग बाउंड्रीज हुई तो वो सारा उसका यूज़ नहीं किया जा सकता है। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है, जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको व्हाट्सअप कर दिए जाएंगे। ओके।